मॉडर्न प्रोपेगेंडा सिर्फ आपको मिस इन्फॉर्म करने के लिए या एजेंडा पुश करने के लिए नहीं चलाया जाता है, यह आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को दबाने और सच को छिपाने का काम करता है। यह बात कही थी फॉर्मर चेस चैंपियन और अभी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे गैरी कास्परोव ने, और ऑल्ट न्यूज इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता है। इसलिए हम एक बार फिर हाजिर हैं फैक्ट चेक्स की एक लिस्ट के साथ, जहां हम आपको बताएंगे बीते हफ्ते के टॉप फैक्ट चेक्स। मेरा नाम है केतन और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। चलते हैं पहले फैक्ट चेक की तरफ, जो कि है दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित हनुमान मंदिर से जुड़ा हुआ। तो हुआ यह था कि दिल्ली के चांदनी चौक में हनुमान मंदिर को 3 जनवरी की सुबह तोड़ दिया गया। यह दिल्ली के सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। इसके बाद शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और भाजपा ने एक दूसरे पर मंदिर ढहाने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। मामला यहां तक पहुंच गया कि पार्टियां एक दूसरे को एंटी हिंदू कहने लगी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि निकम्मी भाजपा ने चांदनी चौक के प्राचीन हनुमान जी का मंदिर आधी रात में तोड़ दिया। वहीं भाजपा की तरफ से आदेश गुप्ता ने 4 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके इन आरोपों का खंडन किया। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को एंटी हिंदू कह डाला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि धार्मिक मामलों की समिति के मुखिया सत्येंद्र जैन मंदिर तोड़े जाने को रोक सकते थे। इसके बाद आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने 5 जनवरी को बताया कि मंदिर को आधी रात में तोड़ा गया जब बारिश हो रही थी। उन्होंने कथित शपथ पत्र भी पेश किया जिसमें बकौल सौरभ भारद्वाज लिखा हुआ था कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने मंदिर तोड़ने की तैयारी पहले से कर रखी थी। यहां आपको बता दें कि नॉर्थ डीएमसी भाजपा के अंडर है। सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बीजेपी के मेयर को ऐसे किसी दस्तावेज की जानकारी हो ही नहीं। उन्होंने एक एनजीओ मानुषी संगठन का जिक्र करते हुए कहा कि इस संगठन ने मंदिर तोड़ने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद ऑल्ट न्यूज ने अपनी पड़ताल की तो सच मालूम चला। यूं तो यह बेहद लंबी चौड़ी रिपोर्ट है जो हमारे साथी अर्चित मेहता ने तैयार की है और इसे आप हमारी वेबसाइट altnews.in पर जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपको यहां सब कुछ संक्षेप में समझाने की कोशिश करेंगे। एडवोकेट इंदिरा उन्नी नायर से हमने संपर्क किया जिन्होंने मानुषी संगठन की तरफ से 2007 में मंदिर तोड़ने की यह कथित याचिका डाली थी। इंदिरा उन्नी नायर से जो भी हमारी बातचीत हुई उसमें हमें समझ में आया कि ये PIL साइकिल रिक्शा या बिना मोटर वाले वाहन चलाने वाले लोगों के अधिकारों की मांग को लेकर थी। असल में उन्हें भी सड़क पर पर्याप्त जगह मिलने की मांग की जा रही थी, क्योंकि 2006 में कोर्ट के एक फैसले के बाद चांदनी चौक में रिक्शे पर रोक लगा दी गई। इसके बाद अतिक्रमण को काबू करने की जिम्मेदारी से उत्तरी डीएमसी लगातार भाग रही थी और सालों से अतिक्रमण का यह मामला अटका हुआ था। इंदिरा उन्नी नायर ने यह भी बताया कि अतिक्रमण वाली जगहों की पहचान खुद उत्तरी डीएमसी ने की थी। अप्रैल 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट में एक सूची जमा की गई थी जिसमें अतिक्रमण वाले मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल शामिल थे। इन्हीं में यह हनुमान मंदिर भी था। नवंबर 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में यह भी लिखा हुआ था कि मंदिर के पुजारी से संपर्क किया गया और वो मंदिर को हटाए जाने के लिए कहीं और जगह मिलने की शर्त पर राजी थे, यानी मंदिर को दूसरी जगह दी जाएगी। निष्कर्ष के रूप में हमें यह मालूम चला कि हनुमान मंदिर उन 5 धार्मिक निर्माणों में से एक था जो अतिक्रमण में शामिल थे। अतिक्रमण का सर्वे उत्तरी दिल्ली नगर निगम, जो कि भाजपा के अधीन थी, और PWD जो कि आपके अधीन थी, इन दोनों ने किया था और अपनी अपनी स्टेटस रिपोर्ट्स 2015 में पेश की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अप्रैल 2015 में उत्तरी डीएमसी को इन अतिक्रमणों को हटाने के आदेश दिए थे। इस पूरे दौरान किसी भी पार्टी के अंतर्गत आने वाली किसी भी संस्था ने इस हनुमान मंदिर के अतिक्रमण में शामिल होने की बात को चैलेंज नहीं किया था, लेकिन 2021 के पहले हफ्ते में जैसे ही मंदिर तोड़ा गया पार्टियों ने तू-तू मैं-मैं शुरू कर दी और एक दूसरे को एंटी हिंदू तक बता डाला। पार्टियां मंदिर के पुनः स्थापन की मांग कर रही हैं जबकि कोर्ट ने इसके आदेश पहले से ही दिए हुए हैं। खैर, अब समय आ गया है कि हम अपने अगले फैक्ट चेक की ओर बढ़े। ये वाला थोड़ा लंबा हो गया था क्योंकि इसकी क्रोनोलॉजी काफी लंबी है और ये हमसे बेहतर कौन जान सकता है कि क्रोनोलॉजी समझना इस वक्त की मांग है। अगला फैक्ट चेक है कोरोना वैक्सीन और विदेश में उसके दामों से जुड़ा हुआ। 2 जनवरी 2021 को ABP न्यूज ने एक दावा किया कि भारत पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन फ्री में देने वाला है, जबकि अमेरिका और इंग्लैंड वैक्सीन के लिए क्रमशः ₹5,000 और ₹3,000 चार्ज करेंगे। इसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता ने भी यही दावा ट्वीट किया, जबकि असलियत इससे काफी दूर जान पड़ती है। भारत ने 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है जिसमें कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन शामिल है। बता दें कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का उत्पादन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है और इस वैक्सीन को हम कोविशील्ड भी कह रहे हैं। NDTV से हुई बातचीत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदर पूनावाला ने बताया कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड की शुरुआती 10 करोड़ खुराक
भारत सरकार को 200 रुपए प्रति डोज के रेट से दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत बायोटेक की वैक्सीन का दाम अभी नहीं मालूम चला है। अदर पूनावाला ने यह भी बताया कि प्राइवेट सेक्टर में कोविशील्ड का दाम 1000 रुपए प्रति डोज होगा। यानी अभी तक की खबर के अनुसार अगर एक आम इंसान प्राइवेट हॉस्पिटल से कोविशील्ड लेने की सोचता है तो उसे 2000 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि वैक्सीन की कुल 2 डोज लगनी है। वहीं यूके में सरकार ने साफ तौर पर बोला है कि कोरोना वैक्सीन सिर्फ नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS के जरिए ही वितरित होगी और ये एक फ्री वैक्सीनेशन कार्यक्रम होगा। यानी वहां आम आदमी को वैक्सीन लगवाते वक्त कोई भी रकम अदा नहीं करनी पड़ेगी। वहां सरकार ने ये डिक्लेयर नहीं किया है कि वो किस कंपनी से कितने पैसों में वैक्सीन ले रही है। यूके के द नेशनल ऑडिट ऑफिस के हवाले से मालूम चला कि सरकार $15.7 बिलियन वैक्सीनेशन पर खर्च करेगी। ये रकम महज एक अनुमान है जो चेंज भी हो सकती है। यानी यूके में सरकार वैक्सीन खरीदेगी और लोगों को इसके लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। हाँ, सरकार अपने खजाने से कितने पैसे दे रही है, एक डोज की कीमत क्या है, इसकी कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब बात अमेरिका की। अमेरिकन सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के मुताबिक अमेरिकी सरकार टैक्सपेयर्स के पैसों से वैक्सीन खरीद रही है और इस कारण अमेरिका के लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन सरकार इसके लिए कितने पैसे खर्च कर रही है? रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार $39 प्रति डोज यानी लगभग 2860 रुपए की कीमत से फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन की 10 करोड़ डोजेस खरीदेगी। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार लगभग 300 रुपए प्रति डोज के भाव से ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन खरीदेगी। कोई भी वैक्सीन 2 डोज में भी 5000 रुपयों की नहीं हो रही है और यहां भी ABP का दावा गलत ही साबित होता है। अगला फैक्ट चेक है अमेरिका से जुड़ा हुआ, जब ट्रंप समर्थक उपद्रवी कैपिटल हिल में घुस गए थे। अमेरिका के कैपिटल हिल में ट्रंप समर्थकों के उपद्रव के बीच एक भारतीय झंडा देखा गया था। वायरल हुए वीडियो में एक व्यक्ति उपद्रवियों के बीच तिरंगा लहराता दिख रहा था। वीडियो के भारतीय मीडिया में फैलने के बाद लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया कि तिरंगा लहराने वाला यह शख्स कांग्रेस MP शशि थरूर का समर्थक है। हुआ कुछ ऐसा था कि पहले भाजपा MP वरुण गांधी ने ट्वीट करके सवाल किया कि एक भारतीय ध्वज वहां क्या कर रहा था। इस पर कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने जवाब देते हुए लिखा कि वहां ट्रंप समर्थक उपद्रवियों जैसी मानसिकता वाले कुछ भारतीय लोग भी शामिल थे जो तिरंगे को सम्मान के तौर पर नहीं बल्कि हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके खुश थे। इसके बाद इंडिया TV के चेयरमैन रजत शर्मा ने 8 जनवरी के ब्रॉडकास्ट में दर्शकों को इसी ट्वीट पर तंज कसते हुए कहा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे शशि थरूर अपने ही जाल में फंस गए। यहां आपको यह बता दें कि शशि थरूर ने इस घटना के संदर्भ में नरेंद्र मोदी का नाम लिया ही नहीं था, लेकिन रजत शर्मा ने शशि थरूर के ट्वीट के संदर्भ में नरेंद्र मोदी को खींच लिया। आप खुद देखें। ये सब कहने के बाद शशि थरूर बड़ी मुश्किल में पड़ गए। जिस शख्स की हरकत को देखकर, जिसका हवाला देकर उन्होंने नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की थी, थोड़ी देर बाद यह पता चला, यह खुलासा हुआ कि ये व्यक्ति शशि थरूर का सपोर्टर है। जिस शख्स ने अमेरिका के पार्लियामेंट पर हमले के वक्त तिरंगा झंडा उठाया था, उसका नाम विंसेंट जेवियर पालाथिंगल है। यह केरल के कोच्चि का रहने वाला है, रिपब्लिकन पार्टी का मेंबर है और अब वर्जीनिया में रहता है। 2015 में इस शख्स ने इंडो अमेरिकन सेंटर नाम के पॉलिटिकल थिंक टैंक की शुरुआत की थी और अमेरिका में सबसे बड़े मलयाली मेंबर वाले ऑर्गेनाइजेशन का वाइस प्रेसिडेंट भी है। मजे की बात यह है कि शशि थरूर का बड़ा प्रशंसक है। शशि थरूर एक तस्वीर में इस व्यक्ति के साथ लंच करते भी नजर आए। विंसेंट जेवियर और शशि थरूर की यह तस्वीर 11 अप्रैल 2015 की है। हमारी टीम ने विंसेंट का पूरा बायोडाटा निकाला। प्रो BJP प्रोपेगेंडा वेबसाइट ऑप इंडिया ने भी इस शख्स को शशि थरूर का ही फैन बताया। इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में इस शख्स यानी विंसेंट जेवियर ने बताया कि वो वर्जीनिया से रिपब्लिक पार्टी का सदस्य है। उसने कहा कि वो झंडा इसलिए लहरा रहा था क्योंकि वो भारतीय अमरीकियों के ट्रंप को सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था। विंसेंट ने आगे ये भी कहा कि उन्होंने हमेशा से अमरीकी समुदाय की एक्टिविटीज में दिलचस्पी ली है, इसलिए जब भी कोई राजनेता भारत से वहां पहुंचता है तो वो अपने घर में उन नेताओं के लिए कई इवेंट्स करते हैं। विंसेंट ने बताया कि ऐसा ही एक इवेंट उन्होंने शशि थरूर के लिए किया था और उनके साथ इंटरव्यू भी किया था। विंसेंट ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में यह भी कहा कि उन्हें भाजपा सरकार की नीतियां पसंद हैं जो बिजनेस को बढ़ावा देती हैं।
भाजपा की कुछ बातें हैं जिनसे वो असहमति भी रखते हैं। उन्होंने साफ किया कि राजनीतिक और वैचारिक रूप से वो कांग्रेस से ज्यादा खुद को भाजपा से जुड़ा हुआ पाते हैं। As far as I am concerned, when it comes to the policies of the governments, I really like the policies of BJP government because I think they are more business friendly, even though I have disagreement with some of the items. So I am politically speaking, ideologically speaking, I am more connected with the BJP than Congress. हमने जब थोड़ी बहुत छानबीन की तो मालूम पड़ा कि शशि थरूर के अलावा भाजपा सांसद पूनम महाजन और मीनाक्षी लेखी के साथ भी जेवियर की तस्वीरें मौजूद हैं। सितंबर 2018 को एक फेसबुक पोस्ट में जेवियर ने अपने बचपन के दिनों में आरएसएस से जुड़ाव की बातें भी बताई थी। यहाँ आपको ये भी बता दें कि मीडिया ने केवल विंसेंट जेवियर पर ही फोकस किया, जबकि कैपिटल हिल की घटना में और भी लोग भारतीय झंडा थामे हुए थे। इन्हीं में विराट हिंदुस्तान संगम का सदस्य कृष्णा गुडीपति भी शामिल है, जो कि रिपब्लिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। ये वीडियो जेवियर ने शेयर किया था और बाद में इसे हटा दिया था। कृष्णा गुडीपति और जेवियर कैपिटल हिल में कुछ तस्वीरों में साथ भी दिख रहे हैं। ये तस्वीरें भी जेवियर ने शेयर की थी और बाद में डिलीट कर दी थी। 2018 की तस्वीर में कृष्णा गुडीपति भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के साथ भी देखा जा सकता है। यानी मेनस्ट्रीम मीडिया ने प्रो ट्रंप भीड़ द्वारा कैपिटल हिल पर हमले की घटना में तिरंगा लहराने वाले को कांग्रेस समर्थक साबित करने की कोशिश की, लेकिन विंसेंट जेवियर और कृष्णा गुडीपति दोनों ही प्रो ट्रंप होने के साथ भाजपा की तरफ झुकाव रखने वाले लोग हैं। तो ये थे इस हफ्ते के बड़े फैक्ट चेक्स। इन सभी फैक्ट चेक्स के बारे में या और भी गलत जानकारियों, दावों की सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट altnews.in/hindi पर जा सकते हैं। अंग्रेजी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो altnews.in ही काफी होगा। हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए, हमें लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करें। ऑल्ट न्यूज़ के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचने में हमारी मदद करें। यही वो एकमात्र तरीका है जिससे मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ इस लड़ाई में हम और मजबूत हो सकेंगे। मेरा नाम है केतन और ऑल्ट न्यूज़ में अपना भरोसा यूं ही दिखाते रहें, आपका भरोसा यानी हमारी ताकत। शुक्रिया।